नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। जेल के मुख्य गेट पर चली गोली, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में जिला कारागार के सामने ही एक युवक को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि यह सब उस समय हुआ जब जेल से कैदियों को रिहा किया जा रहा था। उसी दौरान वहाँ खड़े एक युवक विशाल पंडित पर जेल कर्मियों को शक हुआ, तब उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान विशाल पंडित पर अवैध तमंचा बरामद हुआ, तब जेल कर्मियों ने विशाल पंडित को पकड़ लिया। लेकिन तभी वहां खड़े एक रौनक नामक युवक ने अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिससे गोली विशाल पंडित को लग गई। वहीं पुलिस विशाल को गोली मारने वाले रौनक को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई। आइए जानते हैं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बिजनौर का और क्या कुछ है कहना। लगभग आज रात को लगभग 8:15 बजे की घटना, आज एक व्यक्ति जिसका नाम राजा है उसकी आज रिहाई हुई थी, तो जेल गेट के पास की उसमें दो बदमाश उसको अटैक करने आए, जिनके नाम विशाल और रौनक है। पुलिस और जेल स्टाफ की मुस्तैदी से उन को पकड़ लिया गया। इस दौरान उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसमें फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश जो मर्डर करने आया था राजन का, जिसका नाम विशाल है, उसको गोली लगी, उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। ये प्रथम दृष्टया जो हमारे पास फैक्ट्स हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। जो अन्य हमलावर था उसको पुलिस ने पकड़ लिया जेल स्टाफ की मदद से, उसका नाम रौनक है, राजन भी सुरक्षित है। इनके मध्य क्या बात थी उसका इंटरोगेशन किया जा रहा है, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बता पाऊँगा कि कारण क्या था जो ये दोनों लोग आए थे। लेकिन अभी जो बात यह है कि इसमें एक हमलावर को पुलिस और जेल स्टाफ ने पकड़ लिया, मुस्तैदी खाते राजन सुरक्षित है और इसको हॉस्पिटल में ये प्रथम दृष्टया इसको डॉक्टर को इसको डिक्लेयर करना बाकी है, लेकिन ये इसकी मृत्यु हो चुकी है जिसको देख के लग रहा है। मुकदमा लिखा जाएगा तहरीर के आधार पर, क्राइम सीन को हम लोग इन्वेस्टिगेशन किया, दो कंटेनमेंट पिस्टल से बरामद हुए हैं और उनके बीच में जो भी बैकग्राउंड है, जो भी उनका बैड ब्लड चला रहा है अच्छे से, उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाए। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। डीपीपी न्यूज़ से संवाददाता इसरार अहमद की खास रिपोर्ट।